एक्सप्रेस टीवी। तो आज हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें एक हमारी क्लास होगी और वो क्लास एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। जैसे कि अभी तक क्या था, हो रहा था हमारे पास यहाँ पर, लेट सपोज अगर हम एक पुराना एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्लास के अंदर यहाँ पर ये जितने भी फील्ड्स हैं, ये जितने भी फील्ड्स हैं उसमें कोई भी ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मतलब ये स्टूडेंट क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज़ ये हमारी एम्प्लॉय क्लास की टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एंटिटी लगा दिया, ठीक है। उसके ऊपर लेट सपोज़ हम लोगों ने टेबल लगा दिया और नेम इक्वल्स टू दे दिया एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया INT ID और उसके ऊपर लगा दिया ये ID और इधर लगा दिया जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दिया स्ट्रिंग एम्प्लॉय, स्ट्रिंग नेम दे दिया लेट सपोज, ठीक है, स्ट्रिंग नेम दे दिया और यहाँ लगा दिया एट द रेट कॉलम, ठीक है। और नेम दे दिया यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और फिर हम लोगों ने दे दिया यहाँ पर डबल सैलरी, ठीक है। और इधर दे दिया हम लोगों ने कॉलम नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये हम लोगों ने दे दिया और लेट सपोज़ यहाँ पर अब एक हमारी एड्रेस क्लास भी है, ठीक है। वो हमारी एड्रेस क्लास है और लेट सपोज़ वो एड्रेस क्लास में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, लेट सपोज़ यहाँ पर एड्रेस क्लास में हमारे पास है, लेट सपोज़ यहाँ पर है स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग कंट्री, और लेट सपोज स्ट्रिंग पिन कोड, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एड्रेस नाम का एक क्लास ले लिया और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ ले ली है, ठीक है। और लेट सपोज़ यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर लेट सपोज़ हम लोग गेटर सेटर मेथड ले लेंगे डेटा को गेट और सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है गेटर सेटर मेथड्स ले लिए डेटा गेट और सेट करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर लेट सपोज़ हमने ले लिया टू स्ट्रिंग मेथड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर एक हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है एक एड्रेस करके इधर बना देंगे और इधर हम लोग नाम दे देंगे कॉलम, इधर नाम इसका दे देंगे नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय एड्रेस। अब क्या होगा, अभी लेट सपोज़ यहाँ पर हम जो है अपनी एप्लीकेशन एक वो बना लेते हैं मेन क्लास अपनी, लेट सपोज़ ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है। ये हमारी जो है मेन क्लास है और इस मेन क्लास के अंदर वही सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे जो करते आ रहे हैं। न्यू कॉन्फ़िगरेशन, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ठीक है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और यहाँ पर जो है हम लोग इसको ऐसे गेट कर लेंगे तो ये सेशन फैक्ट्री हो जाएगी। उसके बाद सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, ठीक है। तो ये हमें दे देगा सेशन, उसके बाद सेशन डॉट बिगन ट्रांजेक्शन, और ये हमें दे देगा TXN, सेशन डॉट बिगन ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब लेट सपोज़ अगर हमें यहाँ पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अभी सेव करना है तो उसके पहले हमें यहाँ पर एड्रेस का रिकॉर्ड जो है क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अभी क्या है, हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करने से पहले हमें एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास हमारी डिपेंडेंट है किस पे, एड्रेस क्लास पे, ठीक है। तो लेट सपोज सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम और करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये हमारी, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम अपनी जो और भी क्लासेस क्रिएट हुई उसके बारे में बता देते हैं। तो हमारी और कौन सी क्लासेस क्रिएट हुई हैं, हाइबरनेट डॉट डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो हाइबरनेट डॉट डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास के अंदर एक हमारा जो है
यहाँ पर ए डी डी आर ई एस एस एड्रेस क्लास आ गई है एक, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पर क्लास आ चुकी एम्प्लॉई क्लास। तो इसके बारे में हमने जो है अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बता दिया। अब उसके बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू एड्रेस करके जो है रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना, और यहाँ पर जो है एड्रेस डॉट सेट सिटी। तो लेट सपोज हमने लिख दिया कानपुर, उसके बाद जो है हम लिखेंगे एड्रेस डॉट सेट कंट्री, तो हमने लिख दिया इंडिया, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डॉट सेट पिन कोड, तो हमने लिख दिया 2080 06, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें स्टूडेंट डॉट सेट आईडी हम सेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सॉरी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा भाई, एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, स्टूडेंट हटाओ यहाँ से। तो यहाँ पे एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो न्यू एम्प्लॉई, ठीक है। तो उसके बाद हम एम्प्लॉई में आईडी सेट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई डॉट सेट, अरे एम्प्लॉई का सेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गेटर सेटर मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले हम सोर्स पे जाएंगे और गेटर एंड सेटर मेथड्स सेलेक्ट ऑल, ठीक है, और लास्ट में हम इसको जनरेट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड सारा डेटा प्रिंट करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग सेट नेम पे क्लिक करेंगे, तो लेट सपोज हमने डाल दिया शुभम, या मान लो हमने ले लिया राम। उसके बाद यहाँ पर लेंगे एम्प्लॉई डॉट सेट नेम के बाद हमने ले लिया सैलरी, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर, आईडी हमें लेना नहीं है, नेम सैलरी और एड्रेस है, ठीक है। तो सैलरी हमने डाल दी मान लो यहाँ पर 1,00,000 रुपये। उसके बाद एम्प्लॉई डॉट सेट एड्रेस, और एड्रेस में हमने सेट कर दिया अपना एड्रेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेशन डॉट सेव जब कॉल करेंगे तो ये एम्प्लॉई हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार इसको जरा रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ चलता है कि नहीं चलता है, या फिर एरर आएगी। तो क्या बोल रहा है, कुड नॉट डिटरमाइन रिकमेंडेड JDBC फॉर टाइप एड्रेस। अच्छा, तो हमें लग रहा है यहाँ पर जो है हमें एंटिटी इधर भी लगाना पड़ेगा और इधर टेबल का भी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एड्रेस टेबल, ठीक है, एड्रेस टेबल लिख दिया, और साथ के साथ हमें लगता है यहाँ पर हमें INT ID भी देनी पड़ेगी, तो वो हमने दे दी INT इधर ID, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू नहीं, हमें ID शायद नहीं देनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक सेकंड, अब इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं जरा एक बार। एंटिटी हैज़ नो आइडेंटिफायर, एवरी एंटिटी क्लास मस्ट डिक्लेयर विद ओके। तो आई थिंक हमें लग रहा है कि आईडी यहाँ पर लगेगा। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं जरा। तो अब अभी ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड और एम्बेडेबल एनोटेशन, ठीक है। अब लेट सपोज अगर कोई भी यहाँ पर हमारे पास क्लास होती है, जैसे कि एम्प्लॉय हमारे पास क्लास है और वो डिपेंडेंट है किसी एक ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि लेट सपोज, एक बार इसको हटाना जरा और एक बार अभी हम लोग रन अगर करके देखेंगे लेट सपोज, तो शायद अभी भी जो है वही एरर आएगी, ठीक है, कुड नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इशू यही है कि जो एड्रेस टेबल है, ठीक है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये एड्रेस टेबल एक्चुअल में क्या है, मतलब इसकी उसको एंटिटी क्रिएट करनी है कि क्या है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एम्बेडेड और एम्बेडेबल करके दो एनोटेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, अगर मान लो कोई क्लास है वो किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है तो वो मतलब एम्बेडेड वहाँ पर एनोटेशन लगेगा, ठीक है, एम्बेडेड, ठीक है।
और जो क्लास जो भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर लग जाएगा एम्बेडेबल, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करेंगे तो शायद ये इस बार वर्क करेगा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकना जरा, डेटाबेस चेक करने तो पहले। तो ये देखो तुम्हारा प्रोग्राम जो है चल चुका है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुई है, जो भी तुमने हम एम्प्लॉय टेबल यहाँ क्रिएट करी थी। उसके बाद तुम्हारी जो है उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं, और तुम देख सकते हो तुम्हारी एड्रेस टेबल क्रिएट नहीं हुई है, खाली एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुई है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि एड्रेस टेबल क्रिएट हो, वो खाली एक एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट के तरीके ट्रीट किया जाए, उसकी टेबल हम नहीं चाहते कि वो क्रिएट हो। तो हमने एट द रेट एंटिटी इसीलिए नहीं लगाया, हमने एट द रेट एम्बेडेबल लगाया है। मतलब या तो तुम ऐसा भी कर सकते थे कि ये सारे के सारे जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स थे इसको तुम यहाँ पर एड्रेस की जगह इस तरीके से स्टोर करके लिख लेते, लेकिन हम चाहते थे कि जो एड्रेस की डिटेल्स हैं सारी एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट की, वो हम सेपरेट क्लास में स्टोर करना चाहते थे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक और एड्रेस क्लास बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पर कोड सेपरेशन किया कि एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स हैं वो जो है अलग क्लास में स्टोर है, ठीक है। तो अब अगर तुम जो है प्रोग्राम अपना डेटाबेस पहले चेक करोगे, डेटाबेस में देखो क्या हुआ है अभी। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन उसमें डेटा भी स्टोर नहीं हुआ है। तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग ने ट्रांजैक्शन कमिट नहीं करी है अभी। तो अभी अगर हम लोग दोबारा मान लो इसको चलाते हैं, तो आई गेस इस बार ट्रांजैक्शन तुम्हारी कमिट्स हो जाएंगी। देखो हो गई, ठीक है, ट्रांजैक्शन तुम्हारी कमिट हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पर मान लो तुम्हारी लेट सपोज कुछ और भी चीज़ें हैं जो तुम यहाँ पर, जैसे मान लो कि तुम्हारे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो कोई भी एक फील्ड मान लो, जैसे कि सब्जेक्ट्स, ये जो बच्चा है ये एम्प्लॉय है, मान लो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, ये मान लो कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम करता है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, मतलब उस डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल बना लेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, या ऐसे लिख दिया हम लोगों ने INT डिपार्टमेंट ID स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम, इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, इस क्लास में खाली एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं वो स्टोर होंगी, डिपार्टमेंट एक अलग काइंड ऑफ डिटेल, हम नहीं चाहते कि वो स्टोर होए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो क्लास बनाएंगे और वहाँ पर हम लोग एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल को स्टोर कर लेंगे, एक क्लास बना लेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग उसकी डिटेल डाल देंगे। अब यहाँ पर कौन सा एनोटेशन लगता है, एम्बेडेबल लगता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय क्लास में आएंगे और यहाँ पर एम्बेडेड करके एनोटेशन यूज़ करेंगे, और एम्प्लॉई इधर जो है डिपार्टमेंट नाम का, सॉरी ये डिपार्टमेंट नाम का तुम ऑब्जेक्ट यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब क्या है, तुम इसका गेटर सेटर मेथड भी इधर क्रिएट कर लेंगे सोर्स में जाके, गेटर और सेटर मेथड इसका क्रिएट हो जाएगा। और टू स्ट्रिंग मेथड को हम एक बार दोबारा से अपडेट कर लेंगे, सोर्स पर जा कर के टू स्ट्रिंग मेथड सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये ऐसे दोबारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आएंगे, हमको यहाँ भी बताना पड़ेगा कि हमने एक नई क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट तुम्हारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले सोर्स में जा करके गेटर और सेटर मेथड डाल लो, ताकि तुम इसको आसानी से प्रिंट कर पाओ, मतलब सेट कर पाओ, और जा करके टू स्ट्रिंग मेथड भी डाल लो, इफ़ इन केस अगर जो है हम लोग यहाँ पर अगर जो है कुछ ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट कराने के काम आएगा, ठीक है। अब अभी क्या है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर तुम क्या करो, पुराना ये जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल सीक्वेंस और ये दोनों चीज़ों को उड़ा दो, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी डिलीट हो गई, और ये एम्प्लॉय टेबल सीक्वेंस है इसको भी तुम उड़ा दो, ये भी तुम्हारी डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, अब तुम यहाँ पर जो तुम्हारी ऐप है, तो अब जो तुम्हारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले चाहिए हैं दो ऑब्जेक्ट,
ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसको अपने अंदर दो ऑब्जेक्ट चाहिए हैं। उसके अंदर के दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, एड्रेस और डिपार्टमेंट है। तो तुमने एड्रेस यहाँ पर जो है तुमने एड्रेस का लिए पहले डेटा प्रोवाइड करा लिया, उसके बाद तुमने क्या काय का डेटा परफॉर्म यहाँ पर और लेके आना है, तुम्हें कौन सा डेटा और लेके आना है, न्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तुम्हें डिपार्टमेंट का डेटा और चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें डिपार्टमेंट का डेटा और चाहिए पड़ेगा, डिपार्टमेंट डॉट सेट आई डी लेट सपोज। तो तुमने दे दिया डिपार्टमेंट डॉट सेट आई डी 1001। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट डॉट सेट डिपार्टमेंट नेम, मान लो तुमने लिख दिया आई टी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारे एम्प्लॉय के पास जो दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे, एड्रेस और डिपार्टमेंट, वो तुमने प्रोवाइड करा दिया, एड्रेस और डिपार्टमेंट। अब तुम क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय में तुमने नाम, सैलरी, एड्रेस सेट कर दिया, उसके बाद एम्प्लॉय डॉट सेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेट कर दिया। अब तुम अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो तुम्हारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है तुम्हारी पहले टेबल क्रिएट हुई है, एम्प्लॉय टेबल, उसके बाद रिकॉर्ड दोनों इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब तुम अगर इधर रिकॉर्ड इधर आके जब चेक करोगे तो ये तुम देख सकते हो, ये देखो तुम्हारा ये जो है डिपार्टमेंट तुम्हारा यहाँ पर क्या हुआ है, नेम, कंट्री, ये सब हो गया, नेम, कंट्री, एंट्री तुम्हारी इधर सब आ गई और ये सब तुम्हारा जो है स्टोर हो गया। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर तुमको रिकॉर्ड गेट करना है तो तुम आसानी से वो भी कर सकते हो। ठीक है, तुमको सेव वाला जो है क्लोज कर देना है, सेशन डॉट गेट, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें लिखना है एम्प्लॉय डॉट क्लास, और एम्प्लॉय की आईडी होगी वो तुम्हें प्रोवाइड करा देनी है, वो है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोडेड एम्प्लॉय आ गया होगा, उसको तुम्हें बस प्रिंट कर देना है, लोडेड एम्प्लॉय को। ठीक है, अब जब तुम इसको रन करोगे तो ये देखो लोडेड एम्प्लॉय पूरा आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, एक आईडी प्रिंट हुई है, ये तुम्हारी आईडी, फिर उसके बाद ये देखो तुम्हारा नेम प्रिंट हुआ है, उसके बाद तुम्हारी सैलरी प्रिंट हुई है। ठीक है, उसके बाद ये एड्रेस क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है ये, तो ये देखो एरे के फॉर्म में आया है। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो ये देखो इसी के फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। ठीक है, इसी के फॉर्म में आया है। हमारा टू स्ट्रिंग मेथड थोड़ा सा शायद गड़बड़ क्रिएट हो गया है, इसको हमें थोड़ा सा सही तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसने प्रिंट करके दे दी है। अभी इसको अगर हम दोबारा रन करते हैं तो तुम देखो किस तरीके से डेटा देता है ये। तो हाँ, डेटा इसने सही दिया इस बार। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पर उसने सबसे पहले तुम्हारा आईडी, नेम, सैलरी दे दिया, आईडी, नेम, सैलरी, उसके बाद एड्रेस टाइप का ये ऑब्जेक्ट और ये डिपार्टमेंट टाइप का ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मतलब आज जो हम लोगों ने सीखा वो ये देखा कि लेट सपोज जैसे तुम्हारे पास एम्प्लॉय टेबल थी, अभी एड्रेस इस तरीके से लिखने का मतलब क्या हो गया, तुमने एड्रेस की सारी डिटेल्स जो है वो अलग कर दी है, सेपरेट स्टोर करी है। ठीक है, अभी अगर इसी सारे डेटा को हम इसी क्लास में डाल देते तो कितना हौचपौच हो जाता। ठीक है, कितना हौचपौच हो जाता। तो हमने क्या करा, ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको सेपरेट स्टोर कर लिया। ठीक है, आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और तुम्हारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम ऑलरेडी गिटहब पे डाल लें, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी जो है वो लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं इधर @embedded and @embeddable प्रोग्राम एडिड, उसके बाद गिट पुश। ठीक है, तो ये तुम्हारा गिटहब में जो है इधर तुम्हारे प्रोग्राम सारे पड़े हुए हैं इधर, आई गेस इधर हाइबरनेट 2024। तो ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोग्राम ये दोनों पड़े हुए हैं इधर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।